भाई मम्मी का निकल पसंद है? क्या बोला तूने? मेरा मुझे निकल गई। हाँ वो तो भाई पसंद है सबको, पसंद है ऑब्वियसली, वो ब्लॉगर है, इतना बड़े ब्लॉगर है। जिससे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है आज उसी का टाटू है, मींस गौरव तनेजा। सबको पता ही है कि जो ब्लॉगर के बादशाह है, और उनका हम लोग अभी फेस टाटू बना रहे हैं। उनकी एक बंदा जो है उनका बहुत बड़ा फैन है जो लखनऊ से आया, तो अभी जाते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहा है। ये वाला ग्लोव अभी जस्ट मैं स्टूडियो से बाहर ही आया था क्योंकि अभी टाटू कर रहा हूँ। तो जो मैंने बताया था आपको वो टाटू का पहले और एक टाटू है गाइस, तो वो मुझे अभी पहले कंप्लीट करना है। तो मैम कहाँ से हो? दादर। दादर में कहाँ? माहिम। माहिम से आया टाटू बनाने के लिए। अरे आज जो मैम टाटू बना रही है ये वाला टाटू, ये कौन है? मॉम। आज का रीजन क्या बारे का? शी पास्ड अवे आफ्टर 3 इयर्स। ओके, 3 साल पहले। तो इसकी वजह से आज ये टाटू बना रहे। तो आज स्पेशल ऐसा कुछ बर्थडे वगैरह है ऐसा कुछ? नहीं, बस उसका याद में। तो गाइस फटाफट टाटू स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहो। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है मैम का, दिस इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी वाली। तो गाइस सीधी स्टार्ट हो, मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता अच्छे से। तो गाइस वन मोर टैटू अभी स्टार्ट करते हैं, कपल स्टार्ट हो। तो गाइस फाइनली भाई का टाटू स्टार्ट करते हैं। भाई एक ब्लॉगर है, देखो यहाँ पे दिख सकता है। भाई ब्लॉग करके आया है। भाई कौन से चैनल है? विशाल डीडीआर व्लॉग्स के नाम से। टेक चैनल या ब्लॉग चैनल? ब्लॉग चैनल है, प्लस राइडिंग का भी है। ओके, बाइक राइडर। बाइक राइड का। भाई मम्मी का निखिल पसंद है? हाँ वो तो भाई पसंद है, सबको पसंद है ऑब्वियसली, वो ब्लॉगर है, इतना बड़ा ब्लॉगर है। सर मैं कनाडा में है वो तो। हाँ तो भाई आज जो टाटू बना रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था कौन सा टाटू बना रहा है, तभी भी एक बार दिखा देता। ये देखो गाइस सही वाला टाटू। सो ये टाटू बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि सबको पता है कि ये कौन है। हाँ। राइट, जितने भी यूट्यूब पे देखते हैं लोग। हाँ। स्टार्ट कैसे हुआ? देखो मैंने इनका सबसे पहला वीडियो 2017 में देखा था। हाँ। लगभग दिसंबर के आसपास। बराबर। मैं उस समय 5,000 से 6,000 सब्सक्राइबर्स रहे होंगे इनके, भाई के। हाँ भाई। हाँ। के ठीक है। फिर उसके बाद मैं उनका कंटिन्यू देख रहा हूँ वीडियो, जो उसके पहले के भी जो ब्लॉग्स थे ना, मैंने मतलब पहले से लेकर के और आज तक के। हाँ। सारे ब्लॉग देखे हैं। सारे ब्लॉग, सारे डे बाय डे। हाँ डे बाय डे। नहीं कभी कभार होता है कि आगे पीछे हो जाता है, दो दिन तीन दिन का एक साथ ही देख लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता ना आपकी वजह से। इसका ये मेरा ख्याल आया था 2 साल पहले ही, ये टाटू टाटू का ख्याल। हाँ टाटू का ख्याल मेरा 2 साल पहले आया था, जब मैंने आपका टिकटॉक जब बैन होने से पहले। हाँ। मैंने टिकटॉक पे देखा था, टिकटॉक पे मेरे वीडियोस देखे। हाँ, वीडियो देखा था मैंने। फिर मैंने आपको यूट्यूब पे सर्च किया। ओके। आपका नाम मुझे नहीं पता था। ओके। मैं महादेवा महादेवा करके सर्च कर रहा था। ओके, मैं मुस्ताश ये ब्रांड का नाम नहीं पता था। नहीं पता था। कितने साल पहले की बात है? अरे वही जब बैन होने वाला था ना टिकटॉक, 2 साल पहले 2 साल पहले उसी समय। उसके बाद ही मैंने मतलब फिर मैंने मुंबई टैटू फेमस टैटू आर्टिस्ट डाला, तो सबसे पहले आपका नाम आया। ओ भाई, जैसे ही आपका नाम आया ना, तो फिर मैंने सोच लिया था कि आप ही से मेरे को करवाना था, ये चीज मैंने पहले सोची थी। लखनऊ से? लखनऊ से आया हूँ मैं। कितना घंटा दूर है यहाँ से? अगर बाय ट्रेन आते हैं ना। हाँ। तो कम से कम 25 से 26 घंटा लगता है। 26 घंटा मतलब आराम से एक पूरा दिन जाता है। पूरा दिन मतलब ज्यादा ही चला जाता है, ट्रेन लेट होता है तो रात को ही बैठा होगा। हाँ रात को मैं बैठा था लगभग 9:30 बजे के आसपास। मैं पूरा टाइम लेके आया हूँ टैटू को बनवाने के। टैटू बनाने? हाँ, मेरे पास मतलब जल्दी नहीं है, तभी मैं मॉर्निंग से वेट भी कर रहा हूँ आपका, आप एकदम फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तभी मैं करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। बराबर है। तो गाइस मैंने पहले ही बोल दिया था भाई को कि हाँ। भाई ये टाटू फुर्सत वाला है, तो इसको आराम से बनाएंगे। तो ये टाटू भैया ने देखा तो तेरा क्या रिएक्शन रहेगा? मेरा मतलब भैया ने देखा ना। हाँ। तो भाई मुझे खुद नहीं पता, अभी तो
सरवाइव मेरे मतलब ये मेरे घर पे भी नहीं पता ऑलमोस्ट अभी बराबर बराबर किसी को नहीं पता ये बात मैंने सिर्फ अपने ही तक रखी थी हाँ। किसी को भी नहीं बताया था ना मॉम डैड को हाँ। ना ब्रदर सिस्टर किसी को नहीं मैं एक्चुअली हाँ। ये बनवा क्यों रहा हूँ हाँ। सबसे पहली चीज मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ। ठीक है मेरे को नहीं लगता कि इनसे मतलब भाई बुरा मत मानिएगा ठीक है बुरा मत मानिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये नंबर वन है वर्ल्ड के बेस्ट ब्लॉगर है ब्लॉगर मेरे ऑब्वियसली है ही ना नंबर वन क्या है ही ऑब्वियसली है मैं खुद फॉलो करता हूँ हाँ। और उनकी बेटी जो है यार बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छी है और देन मैं इनको अपने मतलब मैं इनके साथ कभी नहीं रह सकता ना हाँ। परमानेंट बराबर तो इसलिए ये टैटू इनका मैं कर रहा हूँ अपने ऊपर इसलिए बना रहा हूँ कि ये मतलब बड़े भाई की तरह मेरे को बराबर इंस्पिरेशन करते रहे तो ये बताओ कि और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स है तो उसमें से कौन कौन से ब्लॉगर जो आपको पसंद है मुंबई का निखिल हो गया हाँ। राइडिंग के मैं बता सकता हूँ ठीक है जेट प्रज्योत जी एस फिल्म हाँ ठीक है ये सारे मुझे पसंद है सारे पसंद है सबसे ज्यादा पसंद भाई होता है भाई होता है और भैया पक्का देखेंगे इतनी गारंटी बोल वो तो देखेंगे चलो स्टार्ट करें अभी तो गाइस जैसे अभी शेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो अभी व्हाइट वाला पार्ट बाकी है तो और एक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ क्योंकि देखो खुद ही देखो स्किन कितनी लाल हो गई है यहाँ पे भी देख सकते हो कितना लाल हो गया तो इसकी वजह से मैं रुक रहा हूँ क्योंकि यार बहुत मुश्किल है और भाई आप देख रहे हो तो प्लीज़ भाई की मेहनत देखो भाई भी लखनऊ का है आपके बाजू वाला ही है ऐसे ही बहुत सारे लोग रहेंगे जो ऐसे आपको हेट कमेंट करेंगे क्योंकि सबके हेटर्स रहते हैं हेट। बिल्कुल 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 सो आपको बोलेंगे कि यार ये भाई फेमस होने के लिए टैटू बनाया बिल्कुल कुछ पाने के लिए ऑब्वियस बात है हाँ, तो फिर उनके लिए क्या बोलना चाहूंगा भाई उनके लिए क्या बोलना चाहूंगा पहले चीज तो गट से ही है टैटू बनवाने के लिए बराबर ठीक है वो भाई आप जान रहे हो किस तरीके से मेरा स्किन है ठीक है इतना बड़ा टैटू मैंने कभी सोचा भी नहीं था पहले बराबर मैं इनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ सबसे पहली चीज बराबर और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे से बड़ा कोई फैन अगर हो तो भाई वही बनवा ले जरूरी नहीं कि फैन है तो बनना चाहिए ऐसी बात है ना डिपेंड करता है कि देखो फैन हर तरीके के रहते हैं जो लोग होते हैं जो बस दिल से मानते हैं कोई लोग ऐसे होते हैं मैं बहुत ज्यादा दिल से मानता हूँ हाँ। ठीक है मैंने बोला ना मैं अपने बड़े भाई मानता हूँ बड़ा भाई मानते हैं इसकी वजह से आपने टैटू बनाया हाँ, इसलिए टैटू बनवाया पर ऐसे भी लोग हैं जो बोलेंगे कि आपको माँ बाप का क्यों नहीं बनाया माँ बाप मतलब जिसने पैदा किया उसके लिए बनाया मैंने ऑलरेडी उनके लिए छोटा सा पहले से टैटू बनाया रखा है ओके मापा लिखा हुआ है मापा लग गया ठीक है मॉम टाइप बराबर हाँ जब मैंने ये मॉम डैड वाला ये बनवाया था ना मैंने तब मैं बहुत डांट खाया था मम्मी पापा से बराबर ठीक है क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था मैं कलकत्ता में था अपनी बुआ गया तो वहीं पे मैंने इसको बनवा लिया था शायद भैया भी देखते होंगे तो शायद उनका भी रिएक्शन अलग रहेगा कि यार ये बंदा क्यों बनाया डैडू क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यार मेरा डैडू कोई दूसरा हो क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ तो उनके लिए आप क्या बोलोगे यार उन्होंने 100% वो बोलेंगे क्यों बनाया बेटा यार ये डैडू तो उनके लिए क्या क्या बोलूं मेरे पास वो शब्द ही नहीं होंगे जब वो बोल देंगे ऐसा तो भाई क्या शब्द मैं बोलूंगा रहते हैं लेकिन बस ये है मेरा प्यार है उनके लिए ठीक है मैं दिल से उनको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैंने इज्जत करता हूँ ठीक है इसीलिए मैंने ये टैटू अभी फटाफट व्हाइट पूरा कलर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हाइलाइट्स है वो कम्प्लीट करके पूरा टैटू 3D में दिखेगा फाइनली हमारा काम खत्म कम्प्लीट हो चुका है गाइस और ये टैटू सबको अच्छा लगेगा एक बार अच्छे से क्लीन करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि सब जन एक्साइटेड है ये टैटू देखने के लिए मुझे इतना पता है भी यार सब्सक्राइबर जो अभी देख रहे हैं गाइस प्लीज कमेंट में उनको जरूर टैग करना क्योंकि मैंने टाइटल में टैग किया है बट शायद उन्होंने नहीं देखा जब तक वो नहीं देख रहे तब तक टैग करो फटाफट कैसा लगा टैटू भाई मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब कि शब्द नहीं है मेरे पास यस ठीक है मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी बोलने के लिए आप लोगों को कैसा लगा भाई कैरेक्टर आ चुका है क्योंकि यार ये टैटू मतलब मुझे पोर्ट्रेट के लिए आराम से लगता है आराम से 20 या 25 मिनट लगता है एक पोर्ट्रेट के लिए पर ये टैटू बनाने के लिए मुझे कितना घंटा लगा लगभग 3 घंटा 3 घंटा मतलब मैं पूरा एकदम डीप हो गया था और मैं टैटू करते करते डिस्टर्ब नहीं होना चाहता तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ इसके लिए फोकस किया और पूरा टाइम निकाला गाइस
सो ये इंडिया का फर्स्ट टैटू है जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला ऐसा एक बंदा है जिनका भाई ने टैटू बनाया और वो बहुत पसंद है मुझे, और भाई तो मतलब मेरे से भी ज्यादा बड़े फैन है क्योंकि उनका उन्होंने फेस बनाया। सो गौरव भाई आई लव यू, आपकी फैमिली हमें बहुत पसंद है और रस भाई तो उससे ज्यादा पसंद है क्योंकि यार आपके ब्लॉग देख देखते बहुत मजा आता है। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपके बहुत सारे करोड़ों फैंस है उसमें से हम लोग हैं। और गौरव भाई इन फ्यूचर कभी आपको टैटू बनाना तो मेरे पास आना प्लीज प्लीज भाई, आप मेरे से टैटू बनाना, मैं बहुत अच्छा टैटू बनाता हूँ। और आई लव यू, थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी वॉच कर रहे हैं आप लोगों ने टैटू अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, कमेंट भाई करो, बोला उन्होंने बारिश अभी तक किए भी हो गए तो गाइस फटाफट कमेंट्स करो और गौरव भाई को टैग जरूर करना। लव यू गाइस, कीप रॉकिंग एंड जय शिवराय। आप एक बार जय शिवराय बोलो, जय शिवराय।